जवान बाल बनाता है, दाढ़ी बनाता है, नियत ये होती है जब चलूँ तो चमकूँ, देखा चार लोग हैं वाह आज क्या आपकी दाढ़ी कसता है, खवातीन वो कपड़े वो गाउन वो ड्रेस, मजलिसे हुसैन में जा रही है लेकिन नहीं ऐसे जाऊं चार लोगों की निगाहें मेरी तरफ हों, देखी जाऊं तबर्रुज चमकूं, चार लोगों में मेरा नाम है, ये तबर्रुज जाए। जिनका वजूद चमकता था उन्होंने भी कोशिश न की कि लोगों में चमके। जो इशारा करें चांद के जो टुकड़े करें, जो इशारा करें सूरज को पलटा दे, वो अली अपनी फटी हुई जूती को ऐसे सी रहा है। यहूदी ने कहा ना कि मुझे देखना है कौन है जिसने मरहब को भी छाड़ा अंतर को भी छाड़ा, तो कहा जा मदीने में जाओ, किससे का हैदर से मिलना है, तो मदीने में मिलेगा। मदीने में आया लोगों से पूछने का हैदर कहाँ, हैदर कहाँ, लोग मौला अली के नाम से जानते थे, हैदर का नाम था यहूदियों के, क्योंकि जब जब मौला ने यहूदियों से अपना तारुफ करवाया तो फरमाया यहूदियों मुझे पहचानो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर, क्यों क्यों हैदर कहा, यह भी उनकी किताबों में एक निशानी थी, क्या यहूदियों तुम्हें कौन मारने आएगा वो जिसका नाम हैदर होगा। कभी कब कहा अना एलिया फिल इंजील में, वो हूं जिसका नाम तुम्हारे इंजील में एलिया है, मुख्तलिफ निशान। अब हैदर से कोई मुसलमान जानता, किसी ने जो मौला को जानता तो उसने कहा अली को ढूंढ रहे, कहा नहीं उसने मरहब और अंतर को बिछा दिया, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, सामने जाओ वहीं जमीन पर बैठे रोटी खा रहे, तो जैसे ही जमीन आया तो मैंने देखा पानी है और सूखी रोटी है, मौला डुबो डुबो के खा रहे। अब तसव्वुर देखिए ना, तसव्वुर आलम, हमारे सामने ताकतवर कौन है, हमारे सामने आलिम कौन है, हमारे सामने सबसे बड़ा खतीब कौन है, अपने तसव्वुरात लीजिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा प्रोटोकॉल, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, दो दो ट्रैफिक के पुलिस वाले, अब पता ही नहीं लगता कि मुराद शाह जा रहा है शिया का वो बोली जा रहा है, निशानियां एक जैसी हो गई। ये निज़ाम है जिसने अपनी लपेट में हम सबको ले लिया, ये निज़ाम है जो हमें बताता है, लोग मशवरे आकर देते हैं मौलाना बड़ी गाड़ी हो तो बड़ा खतीब होता है। जिस निजाम में मेयार बदल गया, सोच बदल गई, निगाह बदल गई, अशिया जवान भी वो करना चाह रहे हैं, खातून भी वो करना चाह रही है, जिस निजाम में मैं सिर्फ खुद को दिखाना चाहता हूं, जिसमें से सॉफ्टवेयर आ गए जिसका नाम ही फेसबुक है, फेस फेस देखा जा रहा है, पिज्जा खा रहा है दिखा रहा है, तो मौलानी फरमाते हैं गोश भी लो तो ऐसी शॉपर में या ऐसे कागज में डालो किसी गरीब की निगाह ना पड़े, कि भूखा देख न ले नजर लग जाएगी तेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, अपनी हर खुशी को शेयर कर रहा है, बड़ी गाड़ी के साथ फोटो, बड़ी बिल्डिंग के साथ फोटो, कहीं घूमने जा फोटो, यहां तक करबला को भी नहीं छोड़ा। तुम ज्यारत करने गए हो या रियाकारी करने गए हो, फोटो वो अच्छा जो अल्लाह ले, फोटो वो अच्छा जो नाम आमाल में लिखा जाए, सारी इबादतों को रियाकारी में तबाह कर देता है। कोई चार लोगों ने तुम्हारा पिज्जा खाना देख लिया तो क्या दुआ करेंगे और पिज्जा खाओ, चार नजरें लगेंगी पेट में दर्द हो जाएगा। अली इब्न अबी तालिब जमीन पर बैठेंगे रोटी डुबो के खा रहे हैं, अब इसके तसव्वुर ये था कि बहादुर लोग हैं, बड़े बड़े बाजू हैं, डोले शोले हो, जिस तरह आजकल है कि अच्छा बॉडी बिल्डर और बॉडी वाला बंदा हो, आयतुल्ला बेहजत तो पतले से थे ना, हमारी नजरों में तो आर्नोल्ड जैसा कोई हो वो बहुत बड़ा बहादुर है, तो इसने ये सोचा था कि अली का बहुत भारी भरकम बदन होगा, इसने देखा नहीं सिंपल सा बदन है, और जमीन पर बैठे तो लोगों ने कहा ये अली है, ताज्जुब से कहा ये हैदर है, कहा ये हैदर है, इसका मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसने मरहब को बिछाड़ा, इसने अंतर को बिछाड़ा, जो एक दिन में छोटा सा ऊंट खा जाए, जो बकरे के बकरे खा जाए, एक ऊंट अपने वजन पे उठा ले, और ये जवान जिसका सुन तब जवानी थी और अब ऐसा बदन, कमजोर बदन, नहीं बदन, ये कैसे उसको बिछाड़ सकता है, सवाल अली से है तो अली से पूछ,
اعتراض علی پر ہے تو علی سے پوچھ. جب کہنے لگا کہ آپ حیدر ہیں, کہا میری نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, کہ آپ علی ہیں, کہا میں علی ہوں. آپ نے انتر کو بچھاڑا, آپ نے مرحب کو بچھاڑا, آپ نے امر بدت کو بچھاڑا, فرماتا ہے سب کو میں نے بچھاڑا. فرماتے ہیں اس جسم سے یہ ممکن نہیں کہ یہ جسم خیبر کے در کو اٹھائے. امام فرماتے ہیں میں نے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا.